उत्तराखंड में प्रचंड गर्मी के साथ ही बौछारें पड़ रही हैं। बौछार पड़ने से कुछ देर की राहत मिलने के बाद हालात फिर से पहले जैसे ही हो रहे हैं। दिन और रात के समय गर्मी ने लोगों को बेहाल किया हुआ है। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में गरज चमक के साथ बारिश होने और झोंकेदार हवाएं चलने का पूर्वानुमान जताया गया है। उधम सिंह नगर और हरिद्वार में मौसम शुष्क बना रह सकता है। आपको बता दें, बीते दिन उत्तराखंड में मौसम का मिजाज एकाएक बदल गया। बुधवार को पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश का दौर तेज हो गया। उत्तरकाशी और पौड़ी में अतिवृष्टि के कारण खासा नुकसान हुआ। कुमाऊं पिथौरागढ़ में भी मंगलवार रात को कई जगहों पर जोरदार बारिश हुई। बुधवार को मसूरी और आसपास के क्षेत्र में झमाझम बारिश देखी गई। बुधवार को सुबह से ही देहरादून में मौसम शुष्क बना रहा। ज्यादातर क्षेत्रों में चटक धूप खिली हुई थी। दोपहर बाद भी कहीं कहीं हल्की बारिश हुई। इस बारिश से कुछ देर के लिए गर्मी से राहत मिली। मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून, पौड़ी, टिहरी, अल्मोड़ा और चंपावत में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने और जोरदार हवाएं चलने का पूर्वानुमान है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजकुमारी। जहां तक बारिश की बात है तो पहाड़ों में थोड़ी बहुत बारिश मिल रही है। अंदर के डिस्ट्रिक्ट में अगर आज भी और कल भी मैं बात करूं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर की बात करें, तो इसमें हल्की मध्यम बारिश जो कहीं कहीं पर या कुछ जगहों तक में वो मिल जाएगी। इसके अलावा जो और हिल्स का एरिया बचता है, जिसमें कि और डिस्ट्रिक्ट्स आ जाएंगे, केवल प्लेन्स के छुट जाते हैं, तो छुटपुट एक्टिविटी हल्की या बहुत हल्की की वहाँ पर भी वो देखने को मिलेंगी। और ये चीज़ें तो आगे भी दिख रही कि जो है 25-26 तक भी दिख रही है, और जो बढ़ोतरी है 26 के बाद उसमें होनी चाहिए। जो रेनफॉल एक्टिविटी अगर बात करें तो 26 के बाद जो करीब तभी जो है अनेक जगहों तक अंदर के डिस्ट्रिक्ट में, और जो बाकी हिल्स में देखें तो वहाँ पर भी कुछ जगहों तक में वो हो जाएगी। हल्की मध्यम तक की बारिश है, 26-27 से बढ़नी चाहिए। तो इस तरह का सीन दिख रहा है। तो जो